विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। इस नजारे को देखकर हर भारतीय को गर्व होगा। बुधवार को अंबाला एयरबेस में पांचों राफेल विमान पहुंच गए। राफेल को वाटर सैल्यूट दिया गया। राफेल के आने से भारतीय वायुसेना की शक्ति कई गुना बढ़ गई। फ्रांस से चले पांचों राफेल बुधवार की दोपहर भारतीय जमीन पर पहुंचे। इन सभी विमानों ने अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग की। इस दौरान अंबाला एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के चीफ आरकेएस भदौरिया भी मौजूद रहे। दुश्मन को पलक झपकते ही धूल चटाने वाले राफेल को गोल्डन एरो कही जाने वाली 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। इस स्क्वाड्रन को वायुसेना ने रिटायर कर दिया था। इसे राफेल के लिए दोबारा एक्टिव किया गया है। इस स्क्वाड्रन ने पाकिस्तान को 1965 और 1971 के जंग में धूल चटाई थी। गोल्डन एरो 17वीं स्क्वाड्रन में 18 राफेल लड़ाकू विमान होंगे, 3 ट्रेनर और बाकी 15 फाइटर जेट। गोल्डन एरो 17वीं स्क्वाड्रन का गठन 1 अक्टूबर 1951 को किया गया था। इसमें 1957 में हॉकर हंटर एयरक्राफ्ट और 1975 में MiG-21 को शामिल किया गया था। राफेल का स्वागत पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राफेल के सेफ लैंडिंग की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। पांचों राफेल विमानों ने मंगलवार को फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भरी थी। इसके बाद सभी विमान यूएई में रुके थे। यूएई से उड़ान भरकर पांचों विमान बुधवार की दोपहर अंबाला पहुंचे। पांचों राफेल को 17वीं गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह की अगुवाई में भारत लाया गया। इसके पहले भारतीय सीमा में प्रवेश करने पर 2 सुखोई जेट ने स्कॉर्ट किया। भारतीय वायु सीमा में फ्लाइंग एरो फॉर्मेशन में पांचों राफेल सुखोई के साथ मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। इस दौरान आईएनएस कोलकाता ने राफेल जेट के लीडर का स्वागत करते हुए सेफ लैंडिंग की शुभकामना भी दी। अब आपको अंबाला एयरबेस के बारे में बताते हैं। अंबाला का 7 विंग एयरफोर्स स्टेशन वेस्टर्न एयर कमांड का एक बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है। इस कारण दुश्मन की निगाह हमेशा अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर रहती है। 1965 और 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान अंबाला एयरबेस पर बमबारी कर चुका है। खास बात यह है कि राफेल को अंबाला एयरबेस पर वायुसेना में शामिल करने के तुरंत बाद चीन सीमा पर तैनात कर दिया जाएगा। 3700 किलोमीटर मारक क्षमता वाला विमान 6 सुपरसोनिक मिसाइल और लेजर गाइडेड बम लेकर उड़ सकता है। राफेल लगातार 10 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। आसमान से ही राफेल जमीन और समुद्र में नजर रख सकता है। पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह करने की क्षमता रखता है। इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।